गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो चैप्टर है वो है रोटेशनल मोशन। इसमें हम सेंटर ऑफ मास को इंक्लूड नहीं किए हैं, सेंटर ऑफ मास का वीडियो बिल्कुल अलग से बनेगा। तो चैप्टर है रोटेशनल मोशन, इसका सारा फॉर्मूला को एक्सप्लेन करेंगे और सारा कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी है क्या? बोलते हैं वैसा बॉडी जिसका शेप एंड साइज क्या है फिक्स है, जो चेंज नहीं करता है कितना भी फोर्स लगा दे, है ना। एक लिमिट तक अगर फोर्स लगाते हैं, अगर उसका शेप एंड साइज चेंज नहीं करता है तो क्या कहलाता है? रिजिड बॉडी। या दूसरे भाषा में उसको बोल सकते हैं जिसका, जैसे मान के चलते अगर ये रिजिड बॉडी है तो इसका दो कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ए और बी, जैसे ए और बी मान लेते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेपरेशन क्या मान लेते हैं? डी। कोई भी दो पार्टिकल का बीच का सेपरेशन, है ना, यदि कांस्टेंट है, यदि ये मोशन भी कर रहा हो या कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हो, है ना, यदि डी कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे रिजिड बॉडी है, यदि डी कम हो जा रहा है तो वो रिजिड बॉडी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन तीन इक्वेशन है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं तीन इक्वेशन क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी फर्स्ट, दूसरा है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तीसरा है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू टू अल्फा थीटा। ये तीन इक्वेशन है रोटेशनल मोशन का। बिल्कुल आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अगर लीनियर में लीनियर अगर मोशन देखा जाए तो इसको लोग कैसे याद करते हैं कि वी इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। लीनियर मोशन में हम लोग तीन इक्वेशन यूज करते हैं और रोटेशनल मोशन में हम लोग तीन ये इक्वेशन यूज करते हैं, जहाँ पे ओमेगा नोट क्या है, यह है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, थीटा क्या है, भाई जब रोटेशनल मोशन देख रहे हैं अगर ए से बी, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है ए से बी यहाँ पर पहुँच रहा है तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, थीटा। थीटा क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अल्फा क्या होगा, अल्फा है एंगुलर एक्सलरेशन, क्या है, एंगुलर एक्सलरेशन। ये तीनों फॉर्मूला जो है याद रखना है, काम देगा। नेक्स्ट, टॉर्क किसे कहते हैं, व्हाट इज टॉर्क? तो टॉर्क किसे कहते हैं, तो बोलता है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। क्या कहना चाह रहा है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जिस फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट रोटेट होता है, यदि अगर ये ऐसे रखा हुआ है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस पॉइंट से ये रोटेट हो रहा है उसे क्या बोलते हैं हम, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस फोर्स, अगर फोर्स हम लोग ऐसे लगाते हैं तो ये रोटेट होता है, तो जिस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट रोटेट होता है, है ना, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, टॉर्क, या फिर क्या बोलते हैं इसको, मोमेंट ऑफ टॉर्क, मोमेंट ऑफ टॉर्क। मोमेंट वर्ड अगर लग जाता है मतलब ये है मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर मोमेंट कोई टर्म लगता है तो मोमेंट में तो बताया रेडियस, है ना, तो मोमेंट ऑफ फोर्स द फोर्स इनटू रेडियस। तो टॉर्क किसे कहते हैं, टॉर्क को लोग टाउ से डिनोट करते हैं, है ना। ये क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब एक डायग्राम समझते हैं, मान लेते हैं एक रॉड है या कोई ऑब्जेक्ट है और यह क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यह है एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको अलोंग ये क्या कर सकता है, ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ऐसे रोटेट समझिए या फिर ऐसे रोटेट कर सकते हैं, या इसको हम लोग मान लेते हैं इसके लोग ऐसे रोटेट हो सकता है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो मान लेते हैं अगर इस पर हम अगर फोर्स लगाते हैं तो ये फोर्स की वजह से क्या होगा, ये इधर रोटेट होगा, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, डी, यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो हम एक अलग से जनरली अगर टॉर्क का बात करें, जैसे मान लेते हैं कि भाई ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, फोर्स क्या लगता है, ऐसे लग रहा है, तो फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल है, थीटा है, तो एफ का दो कंपोनेंट होता है, एफ कॉस थीटा होता है, एफ साइन थीटा।
तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन के एलोंग घुमा, ये घुमा सकता है, ये घुमा नहीं सकता है क्योंकि ये क्या कर रहा है, ऐसे खींच रहा है, ये घुमा सकता है। तो यहाँ पर टॉर्क क्या होता है, फोर्स, कौन सा फोर्स यहाँ काम दे रहा है, एफ साइन थीटा, और मान लीजिए यहाँ से डिस्टेंस कितना है आर, तो ये हो गया दिस आर, टॉर्क हो जाएगा एफ आर साइन थीटा, या इसी को हम बोल सकते हैं आर क्रॉस एफ इन वेक्टर फॉर्म। तो बिल्कुल इसको याद रखना है। तो इसको हम लोग यहाँ पर जो है हम पुट कर देते हैं, टॉर्क का क्या हो गया, टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, आर क्रॉस एफ या फिर आर एफ साइन थीटा या एफ आर साइन थीटा, इसको लोग ऐसे दिखा सकते हैं। ये एक एक्सेल वेक्टर है, ये एक एक्सेल वेक्टर है, क्योंकि क्रॉस वेक्टर क्या होता है, आर की तरफ हाथ रखते हैं, एफ की तरफ घुमाते हैं, तो जो डायरेक्शन देगा वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो इसलिए क्या है ये एक्सेल वेक्टर, क्योंकि ये क्रॉस वेक्टर से निकालते हैं, ठीक है। डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, है ना, इसका जो है वर्क डन के डायमेंशन के सिमिलर होता है, यूनिट होगा न्यूटन मीटर, का फोर्स इनटू डिस्टेंस है, फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, टॉर्क एफ आर आर एफ साइन थीटा, या थीटा लिए हैं तो क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। नेक्स्ट, वर्क डन बाय टॉर्क, टॉर्क द्वारा वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन इक्वल टू होता है टॉर्क इनटू थीटा, क्या होता है टॉर्क इनटू थीटा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दिस इज वर्क डन, है ना। या इसको और भी ऐसे लिख सकते हैं भाई, वर्क डन क्या हो जाएगा, टाउ डी थीटा, थीटा वन से थीटा टू इन इंटीग्रेशन फॉर्म। पावर क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू होता है टाउ इंटू ओमेगा, मतलब पावर इक्वल टू हो गया टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, एंगुलर मोमेंटम को हम लोग बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, इट इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, इसको लोग एल्स डिनोट करते हैं। और ये हो क्या गया, एंगुलर मोमेंटम है क्या, तो बोलता है ये है क्या, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी लीनियर मोमेंटम में मोमेंट मतलब उसका रेडियस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। पी आर यानी पी, पी है क्या, पी हमारा होता है एम पी, लीनियर मोमेंटम क्या है एम पी, तो हो जाएगा एम वी आर, ठीक है। अगर जनरली इसको लिखा जाए, जनरल फॉर्म लिखा जाए, जनरल, तो एल इज इक्वल टू होता है एम वी आर साइन थीटा, है ना, जहाँ थीटा क्या है एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड आर वेक्टर, ठीक है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं आर क्रॉस पी, क्योंकि ये हो गया पी, ये हो गया आर, यानी आर क्रॉस पी, इसको हमको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये याद रखना है, कौन सा फॉर्मूला आपको फॉर्मूला ये याद रखना है, दिस एंड दिस, ठीक है, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, यानी मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई अल्फा, क्या होता है टॉर्क टू आई अल्फा, जहां आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, एंड अल्फा क्या है एंगुलर एक्सलरेशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, हम लोग जानते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, एक ऐसा स्टेट जहां पर नेट फोर्स जीरो हो जाए इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग रिजिड बॉडी का पढ़ते हैं तो ये दो टाइप का आ जाएगा, है ना, पहला हो जाएगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दूसरा हो जाता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तब बोलेंगे जब लीनियर, जब नेट फोर्स क्या हो जाए, नेट फोर्स क्या हो जाए, जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो क्या होगा ट्रांसलेशनल, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब टॉर्क ही खत्म हो जाए, नेट टॉर्क क्या हो जाए, नेट टॉर्क क्या हो जाए जीरो हो जाए, जब नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा क्या हो जाएगा ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मोमेंट ऑफ इनर्सिया किसे कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्सिया जिसको लोग आई एच डिनोट करते हैं, ये है क्या, जिसको लोग समझेंगे कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशन। जैसा हम लोग इनर्सिया किसे कहते हैं, आप इनर्सिया जानते होंगे, इनर्सिया क्या होता है, जो चेंज को रोकता है, अपोज करता है, उसे लोग क्या बोलते हैं इनर्सिया, जिसे हम पढ़ते इनर्सिया ऑफ रेस्ट। अगर जो ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में है, जिस स्टेट में, उसी स्टेट में रहना चाहता है, जिसे लोग बोलते हैं इनर्सिया,
इनर्शिया ऑफ रेस्ट, देखो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, इसलिए हम बोलते हैं इनर्शिया। अब ये आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या था, एक लीनियर मोशन के लिए था, अगर रोटेशनल मोशन होता है तो यहाँ पर हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हो गया इसका एंगुलर फॉर्म। तो ये क्या कह रहा है कि ये भी क्या है, किसी बॉडी का एक प्रॉपर्टी है जो कि चेंज को अपोज करता है। यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यदि वो यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन में है तो उसी में ही रहना चाहेगा, जिसे हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये इसको हम निकालते कैसे हैं, तो इसको निकालने का तरीका ये है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यदि एक क्या है, एक एक्सिस है और यहाँ मान लेते हैं कि यह है एम वन, ये है एम टू, इधर है एम थ्री, है ना, इसका ये मान लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसी के लोग क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट घूम रहा है, मान लें इसी, अगर ये बॉडी है और इसी के लोग क्या हो रहा है, इसके चारों ओर चक्कर मार रहा है, इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है आर वन, डिस्टेंस कितना है आर टू, इसका डिस्टेंस कितना है आर थ्री, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, दिस मास, मास इंटू डिस्टेंस को होल स्क्वायर, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक ऑब्जेक्ट है मास m है, ये डिस्टेंस r है, ये तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, दिस मास m, डिस्टेंस कितना r, m r स्क्वायर, ये क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिमिलरली अगर n पार्टिकल है, बहुत सारा पार्टिकल है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, दिस मास, मास इंटू आर वन का स्क्वायर प्लस इसके वजह से m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर, अगर और भी आता है मास तो एम एन इंटू आर एन का स्क्वायर, ये क्या कहलाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये दे रखा है कि मान लेते हैं कि क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जिसका मास m1 से लेके mn तक है, उसका डिस्टेंस कितना है पोजीशन r1 से लेके rn तक, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, m1 r1 के स्क्वायर, m2 r2 के स्क्वायर से लेके जितना मास हो, ठीक है। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एस्केलर क्वांटिटी है, एक एस्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में क्या कर रहे हैं, एस्केलरली जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, एक एस्केलर क्वांटिटी है। यदि इसका एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे तो इसका क्या हो जाए, मास का हो गया किलोग्राम, डिस्टेंस का हो गया मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन की बात करेंगे तो एम एल स्क्वायर, मास का हो गया एल, डिस्टेंस का एल स्क्वायर, ठीक है। रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन किसे कहते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि कोई बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बना दिया, क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसी को एलोंग क्या है पूरा सिस्टम, इसी के एलोंग क्या हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है। मान लेते हैं किसी सिस्टम में तीन मास या कितना भी मास, एक मास m1 मान लेते हैं, दूसरा मास क्या मान ले m2 मान ले, तीसरा मास क्या मान ले m3 मान ले, ठीक है, और सारा मास जो डिस्टेंस है ये r1 मान लेते हैं, दूसरा क्या m2 का r2 मान लेते हैं, इसका क्या है r3 है, ठीक है। बोलता है कि रेडियस ऑफ जायरेशन है क्या, रेडियस ऑफ जायरेशन वो इफेक्टिव डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द सेंटर ऑफ मास। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, तीन ऑब्जेक्ट है, तीन ऑब्जेक्ट से क्या बन रहा है, एक सिस्टम बन रहा है, अब इस सिस्टम में कहीं तो सेंटर ऑफ मास होगा, कहीं तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं, वैसा पॉइंट जहां सपोज किया जाता है कि सारा मास क्या है उस पॉइंट पे उपस्थित है, कंसंट्रेटेड है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, कहाँ पे, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो इफेक्टिव डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। यानी रेडियस ऑफ जायरेशन क्या कह सकते हैं, ये छोटे क्या कह सकते हैं, मास। मान लेते हैं कि पूरे ऑब्जेक्ट का मास m1 + m2 + m3 है, लेकिन मान लेते हैं कि पूरे ऑब्जेक्ट का मास क्या है, कैपिटल m है। मान लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, बॉडी का मास इंटू बॉडी के जो सेंटर है जहां पूरे मास यहां पर है उसका यहां से डिस्टेंस क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, k डिस्टेंस है, तो m इंटू k स्क्वायर जाएगा। अब ये k क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। और इसको हम लोग इंडिविजुअली अलग देखा जाए तो इसको हम लोग अलग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख सकते हैं, इसको अलग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं हम लोग m1 r1 के स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर से लेके यदि बहुत सारा ऑब्जेक्ट है तो mn rn का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। अब इसी को जो है एक फॉर्म में लिख सकते हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू
रेडियस का होल स्क्वायर, रेडियस ऑफ जायरेशन का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। यानी अब क्लियर हुआ कि रेडियस ऑफ जायरेशन किसे कहते हैं, कि इट इज इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको एक और बात बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन को, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, इट इज रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। इसको और क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन जो है के जो है वो क्या होता है, इट इज रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। यानी बोल सकते हैं कि सारा डिस्टेंस, जैसे एक बॉल है, एक मास m1 है, इसका डिस्टेंस क्या माने थे r1, एक m2 है, डिस्टेंस क्या माने थे r2, एक m3 है, डिस्टेंस क्या माने थे r3। बोलते हैं कि ये इफेक्टिव डिस्टेंस है, इफेक्टिव डिस्टेंस ये तो बता चुके हैं क्या है, और दूसरा क्या मानते हैं कि एक एवरेज डिस्टेंस है, क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, दिस इज रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, क्या है, रूट मीन स्क्वायर, मतलब दिस इज रूट और मीन के स्क्वायर, यानी आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री स्क्वायर, यदि एन है तो आर एन स्क्वायर डिवाइड बाई एन, दिस इज रूट मीन का स्क्वायर। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस क्या है, इसको हम लोग इफेक्टिव डिस्टेंस ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, इफेक्टिव डिस्टेंस भी बोलते हैं, इफेक्टिव डिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम लोग के बोलते हैं, के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, एंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में क्या लिखेंगे, मास ऑफ सिस्टम इनटू के स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम बॉडीज ऑफ रेगुलर शेप, कुछ कुछ बॉडी है, लगभग 8-9 बॉडीज है जो रेगुलर शेप का है, उसका सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा उसको याद रखना है। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है, बाकी जितना भी फॉर्मूला होगा इसी से बनेगा। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं रिंग, मान लेते हैं एक रिंग है जिसका मास कितना है, एम है, और इसका जो है रेडियस कितना है, आर है। ठीक है, तो वैसा एक्सिस जो सेंटर से पास हो रहा हो और सरफेस से क्या परपेंडिकुलर लिखा हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर, जिसको हम बोल देते हैं ये जेड एक्सिस है, अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई जेड होगा वो याद रखना है कितना होगा, मास इंटू रेडियस का होल स्क्वायर। ठीक है, वही डिस्क कहा जाए मास एम है, रेडियस आर है, तो इसका जो आई जेड होगा डिस्क फॉर्म में, जब डिस्क होगा तो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू, टू से डिवाइड हो जाता है, याद रखना है। यदि ये होलो सिलेंडर है तो होलो सिलेंडर का जो है सेंटर ऑफ ये सेंटर ऑफ मास से है ना, इसका जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है होगा वो भी रिंग के बराबर ही होता है, यानी मास, इसका मास मान लेते हैं एम है और रेडियस क्या है आर है, एम आर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, यदि सॉलिड सिलेंडर है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा है ना एक्सिस के अलोंग, इसका हो जाएगा ये डिस्क के बराबर होगा, डिस्क जैसा होगा, एम आर स्क्वायर बाई टू। नेक्स्ट, यदि यूनिफॉर्म रोड है जिसका मास m है और लेंथ कितना है l है, तो सेंटर से कोई एक्सिस पास हो रहा है, इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना आई छोड़ क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व। वहीं कहीं पूछ देता है कि इसका जो है किसी एक एंड से पास हो रहा है एक ऐसा एक्सिस जो किसी कॉर्नर से या एंड से पास हो रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो होता है एम एल स्क्वायर बाई थ्री। मेन फॉर्मूला हमारा ये है, इसी से ये फॉर्मूला जो है निकलता है, कैसे निकलता है आगे हम लोग देखेंगे। रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए हम लोग देखें तो क्या होता है, मान लेते हैं इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ एल मान लेते हैं, इसका चौड़ाई कितना मान लें बी है, तो जो सरफेस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है आई जेड, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ट्वेल्व, इसको याद रखना है। नेक्स्ट, यदि वो स्क्वायर प्लेट हो तो स्क्वायर प्लेट का लंबाई चौड़ाई क्या होता है, सेम होता है, यानी इसका लंबाई भी एल है और चौड़ाई भी क्या हो गया एल हो गया, यानी इसका बीच कुल क्या हो गया एल हो गया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना हो जाएगा, जैसे हम लोग देखें कि भाई रेक्टेंगुलर प्लेट क्या होता है, एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ट्वेल्व, वहीं बी की जगह पे यदि हम लोग एल स्क्वायर ही पुट कर दें तो ये हो जाता है एम एल स्क्वायर बाई सिक्स, यानी स्क्वायर प्लेट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई सिक्स। नेक्स्ट, होलोस्फीयर है, होलोस्फीयर का जो है जो एक्सिस जो सेंटर से पास होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका मास एम मान लेते हैं, रेडियस का मान लेते हैं आर मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर। वहीं सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या हो गया, पूरा अंदर से मास भरा हुआ है सेंटर से पास, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो है वो कितना हो जाएगा टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर, याद रखना है।
चलिए, फॉर्मूला इतना ही था, इतना फॉर्मूला बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इसी फॉर्मूला का यूज करके कहीं टेंजेंट में पूछ सकता है, कहीं डायमीटर का लॉन्ग पूछ सकता है, कोई एक्सिस की तरफ पूछ सकता है, कुछ भी एनीथिंग, तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग आगे सोल्व कर पाएंगे। तो मेन फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यह टॉपिक है वो क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस आई टू द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द बॉडी अबाउट इन एनी एक्सिस, सॉरी अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू गिवन एक्सिस एंड पासिंग टू द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी आई जी प्लस दिस। मैंने कहना चाह रहा है कि मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे ऑब्जेक्ट है, यदि हम इसका सेंटर से जो एक्सिस जो सेंटर से पास हो रहा हो, सेंटर से पास हो रहा हो, यदि इसका जो सेंटर से पास हो रहा हो उस एक्सिस को हम बोल देते हैं आई सी एम। यदि हम आई सी एम को जानते हैं तब तो इसके पैरेलल कोई भी एक्सिस अगर निकालना होगा मोमेंट ऑफ इनर्सिया तो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे बोले कि भाई यहाँ से आप ड्यू डिस्टेंस पर निकाल के दिखाइए कि कितना होगा यहाँ से, तो ड्यू डिस्टेंस पर एक एक्सिस है ना, जो इसी के पैरेलल है, इसके लोग आई कितना हो जाएगा, तो बोलते हैं कि ये जो आई होगा तो पहला आई सी एम जो आप जानते हैं प्लस इंटू इसका मास क्या है एम, तो हो जाएगा एम इंटू डी का स्क्वायर। ये डायग्राम याद रखिए, ये रहने दीजिए, ठीक है, आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, ये होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। इसका चाहे तो हम लोग एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे मान लेते हैं रिंग, एग्जाम्पल क्या लेते हैं रिंग, या इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या है रोड लेते हैं। मान लेते हैं रोड है, ये रोड इसका मास एम है और लेंथ क्या है एल है। हम इसके जो है सेंटर से हम लोग जानते हैं आई सी एम, इसका हम लोग जानते हैं, ये फॉर्मूला लिखवाए हैं एम स्क्वायर बाय 12। यदि यहाँ से अगर हम पूछे कि भाई एक इस एंड से, इस एंड पॉइंट से पास हो रहा है, किसी कॉर्नर से पास हो रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया आप निकालिए, तो क्लियर है इसको हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्योंकि दोनों एक्सिस क्या पैरेलल है, तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई सी एम प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, यानी आई, आई सी एम कितना है तो एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है, इन प्लस एम, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस है एल बाई 2, ये हो जाएगा एल स्क्वायर, एल बाई 2 कौन स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई 4। सोल्व करेंगे तो एल स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल दिए, क्या होता है एम एल स्क्वायर बाई 3। बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम कहीं भी निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल सकते हैं, यहाँ कहीं भी डिस्टेंस मालूम हो सेंटर से कहीं भी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यदि हम दो एक्सिस जानते हैं, एक एक्स एक्सिस, दूसरा मान लेते हैं वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों एक्सिस क्या है अपने दूसरे को क्या परपेंडिकुलर, एक्स वाई क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, यानी हमको तीन एक्सिस लेना है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और तीसरा क्या होता है जेड एक्सिस, क्या होगा जेड एक्सिस। जेड एक्सिस क्या होता है एक्स वाई के परपेंडिकुलर होता है। मान लेते हैं कि एक्स और वाई ये दोनों क्या है सेम प्लेन पे है, कहाँ है सेम प्लेन, और जेड एक्सिस क्या है ये क्या परपेंडिकुलर है टू द प्लेन, टू द प्लेन, प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है, प्लेन के क्या है ये जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है, एक्स वाई क्या है सेम प्लेन पर लाई कर रहा है। तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं कि आई जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स प्लस आई वाई, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। इसे हम चाहे तो एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल इसको देखा जाए तो एक रिंग मान लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या लेते हैं एक रिंग मान लेते हैं, मान लेते एक रिंग है, रिंग क्या है जिस रिंग, और रिंग का मास क्या मान लेते हैं एम मान लेते हैं, ठीक है, इसका रेडियस क्या है ए आर मान लेते हैं। यदि क्वेश्चन है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया, क्योंकि हम लोग जो है आई सी एम वैसा एक्सिस जो सेंटर से पास हो रहा हो, ये हम लोग आई जेड, इसको क्या बोलते हैं जेड एक्सिस, और आई जेड क्या होता है रिंग का एम इंटू आर स्क्वायर, ये हम लोग फॉर्मूला में जानते हैं। पर क्वेश्चन ये है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट एनी डायमीटर, किसी भी डायमीटर के लोग बताइए। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि आई जेड इज इक्वल टू क्या होता है आई एक्स प्लस आई वाई, एक्स वाई क्या है सेम प्लेन पे है, सेम प्लेन पे है, दोनों क्या है डायमीटर है, दोनों दो भाग में बांट रहा है, तो हम लोग आई एक्स और आई वाई दोनों को इक्वल मान सकते हैं। तो दोनों यदि इक्वल है सो टू आई एक्स लिख सकते हैं, यहाँ से आई एक्स क्या हो जाएगा आई जेड बाई टू, आई जेड बाई
टू। आई जेड कितना है, एम आर स्क्वायर है बाय टू। आई एक्स क्या है, एक तरह से क्या एक डायमीटर है। आई एक्स क्या है, एक तरह से क्या है इसका डायमीटर है। तो इस फॉर्मूला से, इस थ्योरम से हम लोग सोल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कोई ऑब्जेक्ट यदि रोल कर रहा हो इसका रोटेशनल, सॉरी अगर रोटेट कर रहा हो, कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है तो इसका जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा हो तो रोल का मतलब क्या होता है, रोल का मतलब होता है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से रोल करके आगे, रोल तो कैसे कार का चक्का क्या करता है, रोल करते हुए आगे बढ़ता है, यानी रोल करता है तो रोटेट भी होता है और आगे भी बढ़ता है। अगर यहाँ से क्या कर रहा है, ये रोल कर रहा है तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये यहाँ पर क्या था, ये सिर्फ क्या हो रहा था, रोटेट हो रहा था यहाँ पर रोटेट हो रहा था, तो जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इतना आ रहा था। यदि रोल कर रहा है तो यहाँ से यहाँ पर भी पहुँच जाएगा, है ना, यहाँ से यहाँ पर पहुँच जा रहा है, रोल करते हुए रोटेट भी हो रहा है और यहाँ से यहाँ भी पहुँच रहा है, मतलब रोलिंग क्या होता है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशनल का हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर और रोटेशनल क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्सिया एंड एंगुलर मोमेंटम, तो एल इज इक्वल टू होता है आई ओमेगा, क्या होता है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे, क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्सिया यानी आई एंड टॉर्क यानी टाउ, क्या होता है, तो टॉर्क इक्वल टू होता है आई इंटू अल्फा। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, टॉर्क क्या होता है, आई इंटू अल्फा। टॉर्क दिस इज आई की मोमेंट ऑफ इनर्सिया, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सलरेशन, क्या है, एंगुलर एक्सलरेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना, जैसे लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जब कब होता है, जब लीनियर फोर्स यानी नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है नेट फोर्स। और नेट फोर्स होता क्या है, नेट फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, डी पी इक्वल टू जीरो, यहाँ से डी पी इक्वल टू जीरो हो जाता है और क्या होता है, पी इनिशियल टू पी फाइनल। यानी जब लीनियर फोर्स जीरो हो जाता है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होगा, जब एंगुलर फोर्स को लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क। यदि टॉर्क जीरो हो जाएगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा, लीनियर फोर्स जो होता है लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगुलर फोर्स यानी टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दिस इज फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू डीएल बाई डीटी। ये थ्री स्टार, इसको भी याद रखना है। अगर टॉर्क जीरो है तो इसको लिख सकते हैं dl by dt इक्वल टू जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dl इक्वल टू जीरो। dl मतलब क्या होता है, चेंज इन, dl मतलब क्या होता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, दिस इज है ना चेंज। तो इसको l फाइनल माइनस l इक्वल टू जीरो कर देंगे और इसको उधर जाएगा तो लिख सकते हैं l इक्वल टू l फाइनल या l1 इक्वल टू l2। l क्या होता है, i1 ओमेगा 1 इक्वल टू i2 ओमेगा 2, इसको लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रोलिंग मोशन, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि रोलिंग मोशन क्या होता है, डिस कम्बाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। यानी रोलिंग मोशन किसे कहते हैं, रोलिंग मोशन वो मोशन है जिसमें क्या होता है, ट्रांसलेशनल भी होता है और रोटेशनल भी, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, दोनों मोशन होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम दे चुके थे, इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो ट्रांसलेशनल की बात कर चुके थे, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। रोलिंग मोशन में एक और चीज़ हम लोग देखेंगे, वो क्या है, जैसे मान लेते हैं ये तीन जो है, जैसे हम बोल चुके हैं कि रोलिंग होता क्या है, रोलिंग इक्वल टू होता है ट्रांसलेशनल, या ऐसे बोल सकते हैं रोटेशनल मोशन प्लस
ट्रांसलेशनल इक्वल टू क्या होता है, रोलिंग इक्वल टू क्या होता है, रोलिंग। तो यदि हम किसी ऑब्जेक्ट का अगर हम रोलिंग को, और रोलिंग में दो मोशन होते दोनों को अलग अलग कर दे, जैसे कार चल रहा है, कार का हमको सिर्फ क्या देखना है, रोटेशनल मोशन देखना है। तो कैसे देखेंगे रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन देखने के लिए कार को हम लोग क्या कर दें, किसी से ऊपर खड़ा कर देते हैं, जमीन के कॉन्टैक्ट से ऊपर कर देते हैं, हाउस लेते हैं, तो क्या होगा, सिर्फ रोटेशनल होगा, उसमें ट्रांसलेशनल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि चक्का क्या कर रहा है, ये इधर जा रहा है, ये पॉइंट नीचे जा रहा है, ये पॉइंट इधर जा रहा है, ये पॉइंट सिर्फ उधर जा रहा है, ठीक है। यदि ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसका वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा इनटू रेडियस, इसका क्या हो जाएगा, ओमेगा इनटू रेडियस, ये बी पॉइंट मान लेते हैं, ये भी क्या होगा, वेलोसिटी ओमेगा इनटू आर, सी पॉइंट, ये रहा डी पॉइंट, ये भी क्या हो जाएगा, ओमेगा इनटू रेडियस। यदि हमको सिर्फ ट्रांसलेशनल देखना है, प्योरली क्या देखना है, ट्रांसलेशनल देखना है, प्योरली ट्रांसलेशनल देखना है, तो कार को क्या करेंगे, कार चल रहा है, ब्रेक मार दिए, तो क्या होगा, वो चक्का रुक जाएगा और सीधे आगे मूव करेगा। यदि सरफेस चिकना हो तो क्या होगा, सिर्फ ट्रांसलेशनल दिखाई देगा, मतलब देखा जाए ब्रेक मारने के बाद सारा पॉइंट क्या हो रहा है, ये आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, यानी ये वेलोसिटी सबका क्या है, भी है, तो सारा पॉइंट क्या है, आगे भी से जा रहा है। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, ये पॉइंट सी मान लेते हैं, ये पॉइंट डी मान लेते हैं, दोनों मोशन को जोड़ेंगे तो क्या मिलता है, फाइनली इज इक्वल टू क्या मिलेगा, दोनों को जोड़ने पे रोलिंग, क्या मिलेगा, रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन में पूछ देता है कि भाई ए का वेलोसिटी कितना होगा, तो ए में दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलता है, यहाँ से ओमेगा आर प्लस बी, भाई बी पॉइंट की वेलोसिटी कितना होगा, लीनियर कितना है बी, रोटेशनल कितना है इधर, ओमेगा आर, तो नेट कितना हो जाएगा इधर, रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। सी पॉइंट के क्या होगा वेलोसिटी, इधर है ओमेगा आर, इसके लिए इधर है दिस ओमेगा आर और भी, इसके बारे में बात करेंगे अभी। दिस डी पॉइंट का क्या हो जाएगा, भी लीनियर है भी इधर, ठीक है, और रोटेशनल उधर है, ओमेगा आर नेट हो जाएगा इधर, और कितना होगा जो ये है, यानी बी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। जब हम सी पॉइंट देखें, सी पॉइंट बताता है कि रोलिंग है कि नहीं, जहाँ रोलिंग यदि हो रहा है तो सी पॉइंट का कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगा, यानी पहला पॉइंट हम इसका ये बात बोल सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट, यदि भी इक्वल टू ओमेगा आर हो जाता है तो भी क्या होगा, रोलिंग मोशन है। यदि भी ज्यादा बड़ा हो गया ओमेगा आर से, यानी भी कौन सा है दिस, अगर ये ज्यादा बड़ा हो जा रहा है तो ये पॉइंट क्या हो गया, आगे स्लिप कर जाएगा, यानी ये किसका केस है, फॉरवर्ड स्लिपिंग का, फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस है। यदि ओमेगा आर बड़ा हो जाता है भी से, यदि ये बड़ा हो गया पीछे की तरफ, ये क्या हो जाएगा, तो ये बैकवर्ड स्लिपिंग हो जाएगा, ये पॉइंट जो इधर फिसल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, बैकवर्ड स्लिपिंग, बैकवर्ड स्लिपिंग, ठीक है। तो ये है रोलिंग मोशन, हर पॉइंट पूछा जा सकता है। रोलिंग मोशन में ओमेगा आर भी हो जाएगा, तो भी प्लस भी कितना हो जाएगा, टू भी। अगर रोलिंग की बात करेंगे तो ए का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ओमेगा एन भी प्लस भी इक्वल टू टू भी, इसका कितना हो जाएगा, भी रूट टू, यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ भी क्या हो जाएगा, भी रूट टू, और सेंटर का क्या हो जाएगा, सेंटर का भी, सेंटर कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा, क्योंकि इसके वजह से यहाँ पे जीरो है, क्योंकि सेंटर पर रेडियस जीरो है, इसलिए उसके वजह से जीरो आ गया। वो एक मोशन ऑफ सर्कुलर बॉडी रोलिंग डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन, मान के चलते इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं, ऐसे इंक्लाइन प्लेन ऐसा बना दिया, इसका एंगल थीटा मान लेते हैं, और मान लेते हैं कोई एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ना, जिसका मास कितना है, एम है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई है, इसका रेडियस कितना है, आर है। तो ये अगर नीचे क्या होगा, रोल कर रहा है, क्या कर रहा है, ये रोल कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो डायरेक्ट हम लोग याद रखेंगे क्या होगा, जी साइन थीटा डिवाइड बाई वन प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई एम इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस है, और एम क्या है, उसका मास है, ठीक। लास्ट है एनालॉजी बिटवीन लीनियर मोशन एंड रोटेशन मोशन, हम ये टॉपिक बताना चाह रहे हैं कि लीनियर मोशन और रोटेशन में क्या रिलेशन है ना, क्या उसको जरा देखें। यहाँ पे कहना चाह रहा है अगर ट्रांसलेटरी मोशन देखें, लीनियर मोशन देखें, तो लीनियर मोशन में क्या होता है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट को लोग ए से दिखाते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस है, वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थीटा, यानी कोई ऑब्जेक्ट है अगर ए से बी जा रहा है तो एंगल पे कितना एंगल स्वेप्ट किया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग थीटा से दिखाते हैं, ठीक है। वही लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, भी, भी क्या होता है, डी एस बाई डी टी, वही एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है, वो क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी,
ठीक है, वही एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी होता है, वही एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, ट्रांसलेटरी मोशन में लोग मास को एम दिखाते हैं, वही एंगुलर में मास को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्सिया से दिखाते हैं, ठीक है। लीनियर मोमेंटम पी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, वही एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मास इन एंगुलर मास इंटू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मास को ही हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्सिया दिखा रहे हैं। लीनियर फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, वही एंगुलर फोर्स इसको लोग टॉर्क दिखा रहे हैं, टॉर्क क्या होता है, एंगुलर मास इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। लीनियर फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर फोर्स एंड टॉर्क क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसको ऐसे याद रखेंगे। लास्ट, लास्ट कनेटिक एनर्जी हम लोग देख चुके थे, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, और मोमेंटम केस में मोमेंटम इन वेलोसिटी बाई टू होता है, वैसे ही रोटेटरी में कनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर या हाफ एल इंटू ओमेगा, ठीक है। वर्कडन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वही एंगुलर में वर्कडन कितना हो जाएगा, टाउ इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पावर क्या हो जाता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू।